कमलनाथ के खालसा स्टेडियम जाने पर शुरू हुआ विवाद अभी भी जारी है। बीजेपी नेताओं और सिख समाज के लोगों ने राहुल गांधी को कमलनाथ के साथ खालसा स्टेडियम न आने की समझाइश दी है। कमलनाथ को खालसा स्टेडियम लाने पर राहुल गांधी को काला झंडा दिखाने की बीजेपी नेता और समाज के व्यक्तियों ने चेतावनी दी है। इंदौर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जल्द ही प्रवेश करने वाली है। यात्रा में जहां देश और प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है, तो वहीं पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की भी पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ रहने की संभावना है। कार्यक्रम के अनुसार राहुल गांधी राजमहल्ला स्थित खालसा स्टेडियम में रात्रि विश्राम कर सकते हैं। इस दौरान अगर राहुल गांधी कमलनाथ को अपने साथ खालसा स्टेडियम लेकर जाते हैं, तो ऐसे में सिख समाज ने उनका विरोध करने और काले झंडे दिखाने की चेतावनी दी है। 1984 के सिख दंगों में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलनाथ जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा के अंतर्गत अगर वो इंदौर जो आ रहे हैं, आने के बाद उनका जो खालसा कॉलेज स्टेडियम में रुकने का जो है, उसके अंदर अगर कमलनाथ को वो लेके आएंगे, तो पूरा का पूरा सिख समाज कमलनाथ का विरोध करेगा, राहुल गांधी का विरोध करेगा। कमलनाथ को हम अंदर घुसने नहीं देंगे, हम उसको काले झंडे दिखाएंगे और उस पर जो भी है मामले या जो भी मामला बनेगा, हम अपनी आखिरी लड़ाई तक उसका विरोध करेंगे कमलनाथ का, कि कमलनाथ नहीं आएंगे। आप ही के साथ के कुछ लोग हैं, आप ही के समाज के कुछ लोग हैं जो कमलनाथ को लेकर अभी भी गए थे माथा टेकवाने, जी उनका क्या करेंगे? उनका पूरा समाज विरोध कर रहा है। वहाँ जो रागी जत्थे आए थे बैठे हुए, उन्होंने पूरे सबके सामने उनके वो करें कि आपने क्या किया है। खुलेआम महाराज हमारे कीर्तनकारी वो मनप्रीत सिंह कानपुरी, जो पूरे दुनिया में फेमस है, वो बोल के चले गए कि मैं इंदौर नहीं आऊँगा। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? राहुल गांधी को ये बताया जाएगा कि यही खालसा जगह है जहाँ 84 के अंदर इस स्कूल को कॉलेज को आग लगा दी गई थी। राहुल गांधी को भारत जोड़ो के अंदर राजवाड़ा देखना चाहिए। हमारा जो प्राचीन है, हमारे इंदौर का जो शान है, जिसको जला दिया गया था 84 के अंदर, ये चीज़ें भी इनको दिखाना चाहिए कि ये राजवाड़ा भी देखो आप, कि किन्होंने जलाया था, किन कांग्रेसियों ने आग लगाई थी इनको। विरोध करेंगे आप लोग? बिल्कुल विरोध करेंगे। कमलनाथ का हम हर जगह विरोध करेंगे। आज इन्होंने जगदीश टाइटलर को दिल्ली में एमसीडी में मेंबर लिया, हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। जब 2005 में उसको पार्टी से इन्होंने उससे निकाल दिया था मंत्रिमंडल से, आज इनको ऐसी क्या कांग्रेस को जरूरत आन पड़ी कि उसको आज एमसीडी के चुनाव के लिए मेंबर उसको बना दिया गया है। जब 2005 में वो आरोपी था, तो आज क्या वो साफ हो गया क्या? आपका नाम? मेरा नाम मंजीत सिंह भाटिया, पूर्व संरक्षक राव विधानसभा। सुमित जी, आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने आए हैं, क्या कुछ विषय है आपका और किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं आप लोग? देखिए, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और ना चाहते हुए भी राहुल गांधी जी को पूरे देश के अंदर घूम घूम कर ये देखना पड़ रहा है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांव-गांव तक सड़क भाजपा की सरकार ने बनाई है, किस प्रकार से हमने गांव-गांव बिजली पहुंचाई, किस प्रकार से हमने डिजिटल भारत बनाया, किस प्रकार से हमने घर घर में गैस चूल्हे पहुँचाए। तो ये सब काम उनको ना चाहते हुए भी, हमारी पुल पुलिया, बड़े बड़े हाईवे, अच्छी सड़कें, ये ना चाहते हुए राहुल गांधी जी को देखना पड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि वे मोदी जी का विकास देख रहे हैं और किस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है। वे निश्चित तौर पर भारत की संस्कृति और सभ्यता, जिससे अभी तक कोसों दूर थे, अब उसको पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तो वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी जी अपनी यात्रा में कह रहे हैं कि नफरत करने वालों से दूर रहो या नफरत फैलाने वालों से दूर रहो। तो मैंने उनसे आग्रह किया है कि वे इसकी शुरुआत इंदौर से करें, क्योंकि 84 के सिख दंगों में कमलनाथ जी आरोपी हैं और उनके हाथ निर्दोष सिखों के खून से रंगे हुए हैं। तो वे अपनी यात्रा से ऐसे नफरत फैलाने वाले, सिखों का कत्लेआम करने वाले, उनके गले में टायर डालकर जलाने वाले, उनके घरों को लूटने वाले, ऐसे लोगों को श्रेय और प्रश्रय देने वाले कमलनाथ जी से दूर रहें। और दूसरी ओर जहाँ पे वो उनका पूर्व कार्यक्रम में निर्धारित खालसा स्टेडियम पर रुकने वाले हैं, तो खालसा स्टेडियम बहुत पवित्र जगह पे है, क्योंकि खालसा जो नाम होता है बहुत पवित्र है और वो सिखों के लिए बड़ा मान और सम्मान और स्वाभिमान की जगह है। तो यदि कमलनाथ जी को लेकर, निर्दोष सिखों के हत्यारे कमलनाथ को लेकर यदि वे खालसा स्टेडियम में रुके, तो हम उन्हें काले झंडे दिखाएंगे और उनका विरोध करेंगे। आपका परिचय? सुमित मिश्रा, पूर्व उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी इंदौर।